हेलो स्टूडेंट्स, आज के एजुकेशन गाइड में मैं धर्मिष्ठा आपको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का कंप्यूटर लेने वाले हैं। और कंप्यूटर क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि 27 डेट से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं अहमदाबाद से। तो कई स्कूलों में क्या होता है कि 27, 28, 29 और 30 4 दिन तक एग्ज़ाम है, तो इसमें से 3 लेसन आने वाले हैं। तो आज इसमें से मैं फर्स्ट लेसन बताऊँगी। और हाँ, दूसरी बात ये है कि हिंदी गुजराती में भी आपको कोई पेपर्स चाहिए तो मुझे बताना, तो हिंदी और गुजराती का सब्जेक्ट है उसका मैं पेपर बना के आपके साथ शेयर करूँगी। आज हम फर्स्ट लेसन देखेंगे, तो फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज यूज्ड टू जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रो डेटा। स्टूडेंट्स, जो भी आप नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं दोहराती हूँ कि जो पेंसिल से लाइन बनाई है वो आपको लर्न करने हैं आपकी वोकेबुलरी के लिए, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि जो भी चैप्टर चला एक्सप्लेन करती हूँ उसके अंदर मैं पेंसिल से लाइन बनाती हूँ और वही स्पेलिंग आपको लर्न करने होते हैं। अभी ये फर्स्ट पैराग्राफ है वो मैं आपको समझाती हूँ। कंप्यूटर सिस्टम है यानी जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वह सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे जनरेट करता है। इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस सच एज एंटरिंग डेटा, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा, प्रेजेंटिंग आउटपुट ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे 3 प्रोसेस दी हुई है। एक तो हम जो डेटा एंटर करते हैं वो, फिर वह स्टोर करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो, और जो प्रेजेंट होता है स्क्रीन पे वो उसे हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। लेट अस नो हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। अब हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। और डेटा और इंस्ट्रक्शन इज एंट्रेड इन टू अ कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड। दिस डेटा और इंस्ट्रक्शन इज अ कोल्ड इनपुट। यानी जो भी हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं कीबोर्ड को यूज़ करके, तो उसे हम इनपुट बोलते हैं। द डेटा इज कन्वर्टेड इन टू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ CPU विच इज कोल्ड प्रोसेसिंग। अब जो भी डेटा होता है, जो भी मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन है यानी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वह हम CPU से सेव करते हैं, ठीक है। और जो CPU में स्टोर होती है CPU की हेल्प से, उसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। जो वो प्रोसेस हो रही है उसे हम प्रोसेसिंग कहेंगे। After processing the data, the result is displayed on the monitor. This is called output. और यहाँ प्रोसेस होने के बाद जो भी डेटा हमें स्क्रीन पे दिखते हैं, ये स्क्रीन पे, उसे हम आउटपुट कहेंगे। ये मॉनिटर स्क्रीन पे होता है ना, उससे। A computer is divided into two parts, hardware and software. जो कंप्यूटर है हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बताती हूँ, जो पेंसिल से टिक किए हैं वो स्पेलिंग आपको लर्न करने हैं, आपको बहुत हेल्प होगी, इससे आपकी वोकेबुलरी भी बढ़ेगी। हार्डवेयर। हार्डवेयर रिफर टू द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच और फील। फॉर एग्जांपल, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर एटसेट्रा। इसमें जो कोई भी पार्ट्स है उसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर बोलेंगे। जैसे कि CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उसे भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब वह हम समझेंगे। इनपुट डिवाइस, इट helps us in entering data. Keyboard and mouse are main input device. तो एक तो है keyboard और mouse, इसकी help से हम data enter करते हैं। Second है processing unit. It controls the functions of a computer. CPU, motherboard are the examples of processing unit. It is also called the brain of computer. जो कंप्यूटर फंक्शन है वह सारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसे कंट्रोल करता है सारा, यानी जो CPU है, मदरबोर्ड है, वह CPU है उसे
ब्रेन भी बोला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, और मदरबोर्ड है वह एक प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेसिंग थ्रू जो प्रोसेस होती है यहाँ पे होती है। स्टोरेज डिवाइस, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। अब जो स्टोरेज डिवाइस यानी जो डेटा होता है वो स्टोर होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क में डीवीडी या सीडी में हम स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव भी होती है ना उसमें भी हम स्टोर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा हमें ले जाना होता है तो हम पूरा सीपीयू या कंप्यूटर उठा के तो नहीं ले जा सकते ना, तो हम उसके लिए पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस, इट डिस्प्लेस द रिजल्ट्स। मॉनिटर एंड प्रिंटर्स आर मेन आउटपुट डिवाइस। अब जो ये मॉनिटर है और प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि हम यहाँ कुछ भी एंटर करते हैं वो हमें जो मॉनिटर है उस पर दिखती है, तो वह भी एक आउटपुट डिवाइस है। और कोई भी डेटा हम स्टोर करें उसे हमें पेज पे लेना है, तो जब पेज पे आएगा तो उसे भी हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। अभी नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर रिफर टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म्स सम टास्क इन अ कंप्यूटर। यू कैन नॉट टच एंड फील अ सॉफ्टवेयर, अ कंप्यूटर्स नीड अ सॉफ्टवेयर टू वर्क। ये जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से है जिसे हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उस टाइप के जो डेटा है उसे हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। ये जो कंप्यूटर है वो सॉफ्टवेयर की वजह से ही वर्क करता है, उसके अलावा वो आधे से आधे काम सॉफ्टवेयर से होते हैं, जैसे एमएस विंडोज़ है, एमएस ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप है, इस तरह से। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर एमएस ऑफिस, विंडोज और फोटोशॉप। जो सॉफ्टवेयर है वो टू टाइप्स के हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें भी ये तीन जो दिए हम यहाँ पे हमने देखे ना इस तरह के पॉपुलर जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस जो एक ही नाम है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज नीडेड टू स्टार्ट अदर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो उसके कंट्रोल में होती है, अगर ये सॉफ्टवेयर चेंज बिगड़ जाए तो सारी जो भी है वो सिस्टम चेंज हो जाती है। जितने भी विंडोज़ अब है वह सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड, फोटोशॉप, एमएस पेंट, विंडो, मीडिया प्लेयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है उसे हेल्प करता है स्पेशल टास्क, उसे उस परफॉर्म को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और जो यहाँ पे दिए हैं एमएस वर्ड, एमएस पेंट, एमएस मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, ये सब इसके एग्जांपल है। एमएस वर्ड इज यूज्ड टू राइट टेक्स्ट ओनली, वेरियस एमएस पेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ एंड कलर। सॉफ्टवेयर विच इज बिल्ट फॉर अ ह्यूमन यूजर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल एमएस वर्ड, फोटोशॉप। फिर है सॉफ्टवेयर विच इज बिल्ट टू मेक द कंप्यूटर रन बेटर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल्स विंडोज। एमएस वर्ड है उसमें हम ओनली लिख सकते हैं, पर इसके कंपैरिजन में क्या है जो एमएस पेंट है उसमें हम ड्रॉ भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। ये जो एमएस वर्ड और फोटोशॉप है वह ह्यूमन के यूज़ के लिए बना है और उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, और जो भी है सारे कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वह विंडोज़ तो होता ही है सब में, और अच्छी तरह से वो सिस्टम को वो सॉफ्टवेयर चलाता है, यानी विंडोज़ है, फॉर एग्जांपल विंडोज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, तो
तो आईपीयू बोलते हैं, ठीक है, इनपुट प्रोसेसेस आउटपुट। आईपीयू का फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स ऑन आईपीयू साइकिल। ये आईपीयू साइकिल है, वही है इनपुट आउट प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। इट इज प्राइमरी यूज, माफ करना, प्राइमरली यूज्ड टू इनपुट डेटा, प्रोसेस इट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड फाइनल आउटपुट। इनपुट है तो इनपुट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर फॉर्म इनपुट डिवाइस लाइक अ कीबोर्ड माउस। यहाँ भी वही समझाया हुआ है जो मैंने आगे आपको समझाया, वही है कि जो इनपुट कंप्यूटर का आगे हमने जो समझा ना वही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फिर इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये सब हमने आगे समझा वही है। और यहाँ पे भी वही समझाया है कि इनपुट है जो भी हम डेटा होता है वो कलेक्ट कर, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे हम एंटर करते हैं, किसकी हेल्प से, तो कीबोर्ड और माउस की हेल्प से। फिर है प्रोसेस, तो टू प्रोसेस और एक्ट ऑन द इनपुट इट इज़ मेनली डन बाय सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे हम जो डेटा इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होती है ना उसकी, वह कहाँ पे होती है, सीपीयू में। और सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आपको लर्न करना है, ये एक तो सीपीयू है और दूसरा है आईपीयू, ठीक है। फिर है आउटपुट। आउटपुट इज द रिजल्ट ऑब्टेंड फ्रॉम प्रोसेसिंग एक्टिविटी। आउटपुट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन और प्रिंटेड ऑन पेपर। सर्टेन आउटपुट डिवाइस मे फंक्शन एज स्टोरेज डिवाइस ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल सीडी, पेन ड्राइव, ठीक है। ये भी ऐसे ही बताया है कि जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो प्रिंटेड पेपर या फिर स्क्रीन पे आता है उसे हम आउटपुट कहेंगे, और वह हम उसी तरह से स्टोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सीडी और पेन ड्राइव में हम उसे स्टोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमें पिक्चर से के माध्यम से भी दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ से हमने डेटा एंटर किया, ठीक है, और डेटा एंटर करने के बाद कहाँ पे आया, प्रोसेस हुई ना, तो यहाँ सीपीयू में प्रोसेस हुई, और उसके बाद ये प्रिंटर के थ्रू जो कागज़ है उसके ऊपर से बाहर आएगा, तो ये आउटपुट होगा। ये इनपुट, फिर ये प्रोसेसिंग, और फिर ये आउटपुट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, तो मैं आपके लिए पेपर बनाऊंगी। और हाँ, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि हिंदी और गुजराती के 3 लेसन आने वाले हैं। अगर उसका पेपर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपके लिए पेपर ज़रूर से बनाऊंगी, स्टैंडर्ड 3rd वाले और 4th वाले दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो और आपके जैसे जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके 3rd के जो भी फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना, थोड़ा बहुत तो उनको हेल्प हो गई। और ऐसे दूसरे वीडियो आपको मिलते रहे इसलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट में जो भी आपकी क्वेरी हो वो मुझे बताना, तो मैं सॉल्व करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।